एनल फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है कि वो हम लोगों को परेशानी ज्यादा देती है लेकिन खतरनाक नहीं होती। इसका जो मेन सिम्टम हमको मालूम पड़ेगा कि पस जो है या पानी हमारे गुदा द्वार के बगल से कहीं से रिसता है। कभी कभी ये बूंद बूंद होता है, कई बार कई बूंदें निकलती हैं दिन भर में, तो यह फिस्टुला के कारण होती है। फिस्टुला का मतलब है एक ट्रैक बनना गुदा द्वार में अंदर से गुदा द्वार के साइड की खाल में, तो एक तरीके से एक बहुत छोटा सा गुदा द्वार और बन जाना। और यह जो है बिना ऑपरेशन के कभी ठीक नहीं होता। यदि हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद फिर उसमें इन्फेक्शन होगा और फिर उसमें से पस रिसेगा, और धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ता जाता है और ये अपनी ब्रांचेस बनाता जाता है अंदर गुदा द्वार के आसपास, तो ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन जाता है। यदि इस तरीके का कोई भी हमें रिसाव मालूम पड़ता है जो गुदा द्वार के आसपास से होता है तो हमें तुरंत दिखाना चाहिए, और अगर फिस्टुला है तो जितनी जल्दी हम ऑपरेशन करा सकें करा लेना चाहिए। इसके बनने का कारण है कि गुदा द्वार में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है और वहाँ पस पड़ता है। फिर ये पस गुदा द्वार से बाहर की तरफ ट्रेवल करता है और उसके आसपास कैविटीज़ होती हैं गुदा द्वार के, जिनमें फैट भरा होता है। ये उनमें से होता हुआ फिर खाल तक पहुँचता है और फिर वहाँ से फट के बाहर आ जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन के कारण, और कई बार हार्ड स्टूल से वहाँ पर घिस जाते हैं ग्लैंड के वाला एरिया, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें भी रोल खाने पीने का यह है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो फिस्टुला होने के चांसेस कम होते हैं। यह मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल फिस्टुला की, पर कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें ये फिस्टुला बनते हैं, जैसे टीबी है, एक क्रोन्स डिजीज़ है, तो इन बीमारियों का खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन कई तरीके से किया जाता है। एक तो हो गया कि ओपन ऑपरेशन, जिसमें हम फिस्टुला को पूरा काट के निकाल देते हैं और घाव धीरे धीरे 3 से 4 हफ्ते में भरता है। यह ट्रेडिशनल इलाज है और इसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है यदि हमने पूरा फिस्टुला ट्रैक निकाल दिया है तो। दूसरा है आजकल कि इसमें प्लग्स भरते थे तो वो धीरे धीरे फिजल आउट हो गया, उसका फेलियर रेट बहुत था। तीसरा है कि सिर्फ फिस्टुला को निकालें और खाल उसके ऊपर की ना काटें, और जो उसका अंदर का छेद होता है उसको उस टांकों से बंद कर दें। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसी तरीके से मशीनें भी आ गई हैं, बहुत पतले पतली दूरबीन हैं, उन पतली दूरबीनों से इसमें घुस के और इसके ट्रैक को पूरा जलाया जा सकता है लेज़र से। तो ये नई विधियाँ हैं, पर इनके फेलियर रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी विधि है जिसमें पूरा उसको काट के निकाल दिया जाता है। अब इसमें दो तरह के फिस्टुला होते हैं, एक हाई एक लो। हाई फिस्टुला में जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं जो हमको कंट्रोल देते हैं मोशन में, उसके ऊपर होता है वो फिस्टुला। अब वहाँ अगर हमने काट के किया काम तो हमारे सारे स्फिंक्टर्स डैमेज हो जाएंगे और फिर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसके अंदर सीटोन्स डालते हैं जिसको हम लोग धागे बोलते हैं, और ये धागे 6 हफ्ते में धीरे धीरे जो हाई फिस्टुला होता है उसको नीचे काट के धीरे धीरे लाते हैं और वो लो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम इसकी लो फिस्टुला की तरह सर्जरी करते हैं।